अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाजिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस देखिए, मैंने रात को छतरी लगाई थी अपने पिंजड़े के छोटी धाबली के ऊपर, क्योंकि रात को ना क्या बोलते हैं बारिश ज़्यादा हो गई थी और फिर पानी बहुत ज़्यादा अंदर भर भर जा रहा था बार बार, तो मैंने इस दौरान छतरी लगा दी ताकि अंदर पानी ना जाए और अच्छा खासा साधन कर दिया था। और एक खुशी की बात ये कि ये बच्चा जो था ना गाइस रात भर भर रहा है, आप समझ सकते हो इतनी बारिश में भी ये भर रहा था। मुझे खुद नहीं पता, जब मैं कबूतर खिला रहा था ना, मैंने वीडियो एंड की थी उस दौरान ये बच्चा चला गया था, ये पता नहीं कहाँ गुम हो गया था और बारिश तेज़ हो गई थी, फिर ये कहीं गिर गया जाके। ये मुझे लग रहा आंटी ने बैठा था या फिर आंटी ने कहीं उस साइड गिर गया था जाके, ऐसे करके छलांग मार दी इनने पता नहीं कहाँ पर, मैं समझा कबूतरों में गिर गया ये, तो ये मतलब कि चला गया था, समझा पिट गया ये अब नहीं आएगा। तो ये सुबह के टाइम देख लो, अभी मैं ऊपर जस्ट अभी आया हूँ, मम्मी मेरी ऊपर ही आ रखी थी पौधों में दवाई ववाई डालने के लिए, खाद उद डालने के लिए, तो मैं ऊपर आया, मैंने देखा कि बच्चा ये नहीं बैठा मिला, मैं चलो शुक्र है कि आ गया, वरना मैं यही बताने वाला था कि ये कबूतर जा चुका है। और फिर कितना अजीब लगता है जब चले जाते कबूतर, एक आते हैं तो अच्छा लगता है, जाते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि मजाक बात नहीं होता इनका केयर करना। और शुक्र है ये आ गया वापस, बहुत खुशी हो रही है और सही है, चलो अच्छा बात है कि आ गया। और छतरी देखो गाइस, मैंने फुल साधन से लगाई है, देखो देखो अभी भी चटकीला है ये, अभी भी देखो देखो दिख रहे हो गाइस, बहुत चटकीला कबूतर है ये, बहुत बढ़िया देख रहे हो, उड़ी गया आँखी का ऐसे करता है ये, मैं जल्दी से कबूतर खोल देता हूँ वरना कहीं दोबारा से चला उला जाए। मैंने गाइस बहुत टाइट तरीके से बांधा था, मैं आपको बताता हूँ गाइस एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, रुको एक मिनट, सब्र करो सब्र, एक सेकंड, उल्टे हाथ से खोलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कई बार हाथ काम ही नहीं करते, कई बार तेज तेज खींचना पड़ता है। अरे पापा खुल जा बेटा, मैंने भी किधर हाथ डाला मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ ये रहा इसका पक्की जड़, आओ बेटा 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 आओ आओ, मैं कहते ना कबूतर को बुलाता हूँ गाइस, आओ बेटा आओ आओ, अरे बेटा खुल जाओ, प्लीज़ प्लीज़ इज्जत रख मेरी, वीडियो बन रही है प्लीज़ इज्जत रख मेरी, जैसे मैंने बोला ना इज्जत रख मेरी, इन्होंने कहा चलो ठीक है रख लेता हूँ, कोई बात नहीं भले बाद में भेज के करा दूँगा। फाइनली खोल दिया मैंने मार पीट के इसको, ये छोड़ दिया यहाँ पर, चप्पल पहन लेता हूँ तो पैर गंदे हो जाएंगे खाली बिली में। बच्चा किधर गया, फिर से भाग गया गाइस, बच्चा लग रही है वो, ये रहा देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा ये उड़ रहा, देख रहे हो आप, अकेला ही उड़ रहा था, इसी मैं सोचना कि मैंने खोला था इसको सुबह सुबह, और खोला वोला नहीं था, ये अकेला ही अपने उड़ रहा है, और सुबह सुबह ही आया मेरे ख्याल से, सुबह आया या रात को आया मुझे नहीं पता कब आया ये, मैंने तो अभी देखा इसे। अरे यार ये पानी भर जाता है मेरे सर पे, गिरता है फिर, एक मिनट रुक जाओ, आ आ आ आ आ तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं उड़ा क्यों रहा हूँ, मैं उड़ा नहीं रहा, बस मैं इसलिए ऊपर बिठा लूँ ताकि ये लोग ना नीचे पोटी उटी ना करें तो ये कर देंगे, और मम्मी मेरी पीछे ही खड़ी है, उनको पीट डालेंगी क्योंकि मम्मी छत साफ करी है कल ही मैंने, तो उधेड़ देंगी मेरी खाल, तो इसलिए मैं ऐसे निकल रहा हूँ। चलो 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 सो बाकी कबूतर भी गाइस अंदर हैं, ओफो एक तो उनका काफी ज्यादा वो हो जाता है, ओफो ये तो मेरे मुंह पे छलांग मार के निकल जाते हैं कई बार। उनको निकल जाने देता नहीं तो वरना ही छलांगे मारेंगे मेरे मुंह पर। अरे निकलो भाई, ही सर पटकते रहोगे क्या अपना, उनको भी खोल दो तड़पे पड़े अंदर। तो गाइस देखो इसके तो दो अंडे हो गए, इसका अभी तक एक ही अंडा है, और निकल बाहर इसका एक अंडा, और गाइस अंडा पता है किसका बना था, काली जोगियन का है ये, इसका अंडा है गाइस इसका, हाँ ये इसका अंडा है गाइस इसका है, काली जोगियन का घोंसला था ये वाला था, तो कोई बात नहीं किसी का भी हो अंडा तो है, आ जा आ आ आ
कबूतरी भी निकल गई। हाँ निकल गई। ठीक है गाइस, सारे कबूतर निकल चुके हैं बाहर। सो गाइस, मैं ये कह रहा था, देखो गाइस मेरे पास भी कबूतर ज़्यादा नहीं है, और एक बात और, मेरे पास दो ही कबूतरी हैं। देखो ये वाली काली जोगिंग कबूतरी, सॉरी हाँ, एक तो ये वाली है, एक ये है, ठीक है, और एक कबूतरी ये है, ये है ना, एक कबूतरी ये वाली है। तो कबूतरी मांग रहा है, कह रहा है ये वाली कबूतरी एक दे दो, कोई इनमें से एक, ये या फिर ये वाली। तो मैं देने में कोई बुराई नहीं है गाइस, बट ये है ना कि मेरे पास भी, मैं एक ही नस्ल पालना चाहता हूँ, काले दोबाज की और काले जोगियों की, क्योंकि मुझे भी काले कबूतर काफ़ी अच्छे लगते हैं पालने में, और मेरे पास ज़्यादातर देख लो काले में अच्छे लगते, तो काले में ज़्यादा लेके आता हूँ, काला ये काला वो, ये भी काला चोटियल, ये भी चोटियल काली, वो भी काला, वो भी काला, वो भी काला, वो भी काली, वो भी काली, वो भी काला, तो वो भी काली, कितने सारे काले पाल रखे हैं गाइस मैंने आपकी नज़र में, देख लो कितने सारे काले हैं ना। तो मुझे भी काले पसंद है, तो मेरा देने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि फिर मेरे पापा की कबूतरी है ये वाली, तो अव्वल ये वाली तो मेरे पापा की कबूतरी है, वो इसकी बच्ची है, वो सामने जो है वो इसकी बच्ची है, तो ये तो फिलहाल मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये बच्ची है घर की, और ये पापा की, ये तो पापा तो देने नहीं देंगे। और कोई मांग रहा है गाइस, आप लोग बताना कि कमेंट करके कि मैं दूँ या नहीं दूँ, मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप पे सब पे डिपेंड करता हूँ गाइस, बताना ज़रूर मुझे कि देना है या नहीं देना, तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और देखो गाइस फ़ोन आ रहा है गाइस मेरे कज़न का, तो क्या करूँ, रोक दूँ कि नहीं रोक दूँ, वीडियो रोक दूँ मतलब गाइस पूरा ब्लॉग ख़राब हो जाएगा, छोड़ो आन दो, इंपॉर्टेंट मेरे लिए ब्लॉग है, बात नहीं, बात तो होती रहेगी बाद में। सो गाइस, सुबह का मौसम काफ़ी बढ़िया चल रहा है अभी, तो दाना डाल दूँ थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं खिलाऊंगा फिलहाल, फिर ये अंदर नहीं जाएंगे, अगर मैंने पूरा खिला दिया ना इनको तो अंदर उंदर नहीं जाने वाले। अरे यार कैसे चिल्ला रहे हैं घर वाले, तो देखो नीचे से कैसे आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे लगता है जंगल में नहीं चिल्लाते, उस टाइप में चिल्ला रहे हैं ज़्यादा, कर मेरी बहन चिल्लाती है ऐसे। ये देखो डाल दिया दाना इनको मैंने, थोड़ा बहुत खिला देना चाहिए गाइस, क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत पेट में इनके जान वून रहेगी, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे, जोड़े उड़े भी आराम से खाते पीते रहेंगे। इनको भी देख लेते हैं एक बार बेचारों को, इनका क्या हाल है, कहीं से खोलने का मन नहीं करता इनको, क्योंकि देखो क्या है ना, ये बीमार है ना, तो ये है कि इन कबूतरों को भी कोई बीमारी ना लग जाए, तो इसलिए इनको बंद ही रहने दूंगा मैं अंदर ही, और अभी मैं इनको पिलाऊंगा वो अदरक का पानी, सुस्त हो रहे ना कबूतर, उनको पिला दूंगा अदरक का। उसके क्या हो गया, बाल खुल गए क्या सारे, अरे यार कैसे बाल हो रहे हैं इसके, तो ये देखो गाइस बाल देखो कैसे हो रहे हैं इसके, ये देखो, अरे घोड़े नहीं है भाई इस बाल ना, ये ना इसके ना वो लग गई है, वीट लग गई है, क्योंकि इन्हें सर ना आड़ा हो रखा है ना, इन्हें सर घुमा दे रहा है बार बार, तो कल मैंने साफ किया था, देखो फिर से गंदा कर दिया इन्होंने, अब गीला गीलापन हो रहा है, तो चिपक सी और हो रही है, इसका भी देखो सेम यही हाल है, ये बेचारे मुझे प्यारा सारा इन पर, मैं सोच रहा हूँ इनको ना वहाँ दे दूँ गाइस, वो आता नहीं सॉरी एक वो आता ना कबूतरों का आश्रम, जहाँ पे कबूतर सारे बीमार कबूतर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हीं के मैं सोच रहा हूँ जितने भी कबूतर हैं ना अंदर सबको दे दूँ गाइस, कहते नहीं एक से ही सबको पकड़ेगी बीमारी, अभी माशाल्लाह इनको नज़र ना लगे, बोली नजर बचाए, ये सारे ठीक ठाक हैं, और कल को इनको पकड़ लेना गाइस तो बस ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी मेरी, तो टेंशन में, तो मैं नहीं चाहता गाइस, मैं सोच रहा हूँ इनको दे दूँ, पापा के हाथ भिजवा दे रहा हूँ सारे कबूतर, और टेंशन ख़त्म, और फिर ऊपर से ये जो कबूतर है इनका स्वस्थ तरीके से ध्यान रखूँगा। और ठंड आ गई है गाइस, आजकल मौसम देख लो किस तरीके का रह रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम रह रहा है गाइस, बिल्कुल ठंडा एकदम, हवा हवा चल रही है मस्त, तो बढ़िया मज़ा आ रहा है गाइस। छोड़ दूंगा गाइस मैं इनको अभी, ऐसे छोड़ दूंगा दो तीन घंटे के लिए, क्योंकि अभी बारिश नहीं आ रही है, बारिश रात को हुई थी, अभी नहीं हो रही फिलहाल, तो मैं इनको दो तीन घंटे के लिए छोड़ दूंगा ऐसे, उसके बाद फिर मैं इनको बंद कर जाऊँगा, है ना, थोड़ा खेलते कूदते रहेंगे, जोड़े उड़े खाते रहेंगे, अब बाकी जो जोड़े वो जो अंडों वाले उनको अंदर बंद कर दूंगा। सो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा आज का प्यारा सा ब्लॉग प्यारी सी बातों के साथ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या करना है आप लोगों को, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।